आशिका का टल्ली तमाशा। सभी बनी सहारा। वो को लेकर मियां बीवी के बीच शुरू होगी लड़ाई। क्या ये? थोड़े दिन पहले तुमने मुझे मेरे साइड से साथ, और तुम्हें लगा था मेरा उसके बीच में कुछ चक्कर था, कुछ है, और आज तुम उसे हमारे घर में नहीं बल्कि तुम बेडरूम में लेकर आ गई। मजाक ही तो और क्या? स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में कोर्ट में चले आ रहे केस पर सभी और रजत ने जीत हासिल कर ली है, जिसके चलते रजत का बेटा कियान और आशिका दोनों ही रजत से बेहद नाराज हैं। लेकिन सभी के मामा जगताप वो तो अपने जमाई राजा से बहुत खुश हैं, इसीलिए बधाइयां देकर वहां से जा तो रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि इस घर में आशिका वापसी करने वाली है। असल में आशिका को अर्श ने छोड़ दिया है। ऐसे में आशिका नशे में धुत हो गई है और बीच सड़क पे जाकर तमाशा कर रही है। इससे पहले कि उसके साथ हादसा होता, वो सभी की गाड़ी के सामने आ गई और सभी उसे संभालने में जुट गई। ऐसे में आशिका ने ना सिर्फ सभी को ये बताया कि अर्श ने उसे छोड़ दिया है, बल्कि रो रो कर उसका बुरा हाल भी हो रहा है। ऐसे में सभी आशिका को संभाल रही है और अपने साथ अपने घर लेकर जा रही है। भाई आशिका के घर आने से रजत को कमरे से निकाला मिल गया है। तभी तो देखिए कैसे वो सोफे पर पहुंच गए हैं सोने के लिए, लेकिन इसी बीच वहां पर सभी पहुंच जाती है। बस फिर क्या रही बची गुस्से की कसर, रजत सभी पर उतार देते हैं। जाओ डॉली लेकर जाओ, अपनी मैच भी लेके मंगवाई थी, मंगा रही है तुमसे वो आवाज़ आ रही तुम्हारी। मजाक लग रहा है। मजाक नहीं तो और क्या है? क्या ये? थोड़े दिन पहले तुमने मुझे मेरे साइड से साथ दिया, और तुम्हें लगा था मेरा उसके बीच में कुछ चक्कर था, कुछ है, और आज तुम उसे हमारे घर में नहीं बल्कि बेडरूम में लेकर आ गई। मजाक नहीं तो और क्या? तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना मुझे बहुत तकलीफ है। जो आज तुमने किया है भाई, रजत की इस नाराजगी ने तो सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल तो घर में बहुत जल्द शहनाइयां बजने वाली हैं, क्योंकि मृणमय की शादी अमन से जो होने वाली है, लेकिन आज अमन ने भी सभी को झटका दे दिया ये बताकर कि उनकी शादी कल ही है। कोर्ट मैरिज के लिए कोई रेडी नहीं था, सबने सोचा था कि शादी है अच्छे से धूमधाम से होनी चाहिए, बट नहीं, कोर्ट मैरिज की जब टॉपिक छिड़ता है तो फिर कोर्ट मैरिज के लिए नाम पे पहले तो सब शॉक्ड हो जाते हैं, फिर अग्री कर लेते हैं, फिर लास्ट में जैसे ही पता चलता है अमन बोलता है कल ही है कोर्ट मैरिज, तब और सबको शौक लगता है कि कल कैसे तैयारी होगी। सबसे ज़्यादा मम्मी को शौक लगता है, तो अभी सारी चीज़ें मैनेज होंगी, उस हिसाब से सारा सीन था। खैर अब तो पूरे परिवार को जुटना पड़ेगा अमन और मृणमय की शादी के लिए, और इस शादी में कहीं ना कहीं आशिका भी मौजूद रहेगी, जो कहानी में लेकर आएगी नया ट्विस्ट। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन कलरफुल नेल पेंट्स की तरह हम भी तो लेकर आते हैं आपकी जिंदगी में रंग बिरंगा एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप मिस ना करें कोई भी एंटरटेनमेंट का अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।